लाइव आप सर पे दुपट्टा ले लें, मेरी एक ये विश है, छोटी सी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इससे क्या हो जाएगा? एक मेरी वैसे मेरा ये इंडिविजुअल राइट है, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइव कैमरे में आप एक दफा अपने सर पे दुपट्टा ले लें। वो क्यों? मेरा मेरे पास राइट है। आप एक दफा लें तो सही ना। आपको जब सर पे दुपट्टा हो तो आप जरा कुछ और फील करेंगी। समझ रहे हो ना? बड़े हरामी हो बेटा, एक दफा लेके तो नजर का मसला है। ना 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 ना, नजर का मसला है। आप एक दफा लेके देखे, आपने इंडिया को मोदी को बुरा भला कहना है, वोट ले लेना है, ठीक है? आपने वोट ले लेना है। आप बोले जरा फ्रांस को, आप बोले जो बाइडन को, मेरा पैसा दो, तो वही तो जो बाइडन को बोले आपको, वो जो बाइडन अभी आपकी कॉल लगाएगा IMF को कि इनके सारे जो आने वाले पैसे सारे खत्म कर दो, इसलिए नहीं बोलते। IMF में इंडिया का भी शेयर आने वाला है। वो आएगा, इंडिया किधर है, हम किधर हैं? वो चांद पे पहुंच गए, हम यही देखते रहते हैं। KPK के अंदर आज ईद हो रही है, लाहौर में कल ईद हो रही है, हमारा चांद ही नहीं। हमारा एक चांद देखें, अगर हम मजहब के पहलू को देखें तो मजहब में तो ये है कि औरत के जो है ये उंगली तक नजर ना आए किसी गैर महरम को। तो जो एथलीट्स हैं अगर वो सिर्फ हिजाब ले गए, उनका बाकी जो हाय दोस्तों नमस्कार, फिर से स्वागत हमारे आपके YouTube चैनल में एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों एक बार फिर फ्रांस के तरफ से हिजाब का मुद्दा सामने निकल कर आया है। आपको बता दें कि पेरिस ओलंपिक होस्ट होने जा रहा है। इस ओलंपिक में फ्रांस ने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि खासकर मुस्लिम महिलाओं के लिए कि हम सेकुलर कंट्री हैं, ओलंपिक में हमारे कंट्री से कोई भी मुस्लिम महिला हिजाब करके ओलंपिक नहीं खेलेगी। तो आइए इस स्टेटमेंट पर देखते हैं इन पाकिस्तानियों का रिएक्शन। वीडियो करते स्टार्ट, मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। बात करें आप फ्रांस की, और फ्रांस और इस्लाम को लेके बहुत ज़्यादा हमें कॉन्ट्रावर्शियल स्टेटमेंट सुनने को मिलती है। फ्रांस के अंदर पेरिस ओलंपिक्स होने वाले, जिसमें उन्होंने कहा है कि जितनी भी एथलीट्स होंगी स्पेशली गर्ल्स, वो हिजाब वेयर नहीं कर सकती। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा है, फ्रांस को क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है कि बार बार जो है फ्रांस इस्लाम के ऊपर अटैक करता है। कभी कहता है हिजाब नहीं लेना, कभी कहता है फ्रांस के अंदर इस्लाम को जी बैन कर दें। तो इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि भाई मेरा इस्लाम से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं एक सेकुलर मुल्क हूँ और यहाँ पर सब जो फ्रांस की तरफ से जो पार्टिसिपेट करेंगे जितने भी एथलीट्स गर्ल, वो स्काफ यानी हेड स्काफ वेयर नहीं करेंगी, वो हिजाब नहीं करेंगी। एज अ मुस्लिम कंट्री हम पाकिस्तान के अंदर खड़े हैं, फ्रांस के इस गेम्स के अंदर ये इस्लामिक टच के बारे में आप क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि वो सेकुलर कंट्री है, ठीक है, इंडिया इज आल्सो सेकुलर कंट्री। जैसे आप पहले बता रहे थे इंडिया में इस तरह का हुआ था, बेशक मुस्लिम उम्मा ने इस पे आवाज़ उठाई थी। देखें जब आप सेकुलर कंट्री होते हैं तो आपके रूल ऑफ लॉ होता है कि सबको बराबर रखें। जब आप बराबर नहीं रखते, सेकुलर होने का मतलब है कि आपने बराबर रखना है। अगर आप बराबर नहीं रख सकते तो आप कहाँ के सेकुलर हैं? हमने देखा है बहुत सी एथलीट्स ने स्कार्फ पहन के गेम्स खेली हुई हैं, ठीक है। अब फ्रांस ने अपनी जो फ्रांस की गर्ल्स हैं उनके ऊपर बैन लगाया है। आपने कहा कि इंडिया भी एक सेकुलर कंट्री है, तो जब इंडिया ने कहा कि स्कूल के अंदर हिजाब वेयर नहीं करना, पाकिस्तान समेत जगह जगह जुलूस निकल आए थे कि जहाँ वहाँ पे इस्लाम खतरे में है, इस्लाम ये हो गया वो हो गया, फ्रांस की बात आई कि भाई वो तो मुल्क है, वो तो कुछ भी कर सकता है, तो हमारी एज अ मुस्लिम इंडिया के लिए पॉलिसीज कुछ और हो जाती हैं और फ्रांस के लिए कुछ और हो जाती है। देखिए यहाँ पर ना बचपन से एक इंडिया हिंदू मुस्लिम के खिलाफ किया जाता है, उनको भी चूर्ण बेचा जाता है, हिंदू मुस्लिम पॉलिटिसाइज किया जाता है, पब्लिक को उनके इमोशंस को जरा हाईलाइट किया जाता है, जबकि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, और ये चूरन बेचकर हमें ये सिखाया जाता है हिंदू, अगर उनके खिलाफ होता है तो सारे बोलते हैं, ठीक है। अगर ये फ्रांस कर रहा है तो मेरा ख्याल है कि हमें सबको मुतहद होकर इस पर आवाज उठानी चाहिए, और ये एक मेरे मुताबिक ये एक बहुत ही गलत स्टेप है फ्रांस को, इसको बैक लेकर उनको ये स्टेटमेंट देनी चाहिए कि हिजाब अगर कोई पर्सनल इंडिविजुअल लेना चाहता है तो वो ले, और एथलीट लेना चाहती है तो वो भी ज़रूर ले। और ये सेकुलर कंट्रीज ऐसा नहीं करते। किसी सेकुलर कंट्री का मतलब है कि हर बंदे को अपना मजहब अपने तरीके से करने की कर सकता है और आज़ादी है, ये ही सेकुलर कंट्री का विषय। अगर आप पूरी कर दें, हाँ क्या लाइव आप सर पे दुपट्टा ले लें, मेरी एक ये विषय है, छोटी सी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इससे क्या हो जाएगा? एक मेरी वैसे मेरा ये इंडिविजुअल राइट है। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइव कैमरे में आप एक दफा अपने सर पे दुपट्टा ले लें। वो क्यों? मेरे पास राइट है। आप एक दफा लें तो सही ना। आपके कहने पे क्यों? आपको जब सर पे दुपट्टा हो तो आप जरा कुछ और फील करेंगी।
एक दफा लेके तो आपकी नजर का मसला है। ना 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 आपकी नजर का मसला है। आप एक दफा लेके देखें। नहीं ऐसा मैं वैसे मेरी बात माने अगर आप अगर आप अच्छा फील ना करें मैं ऐसे भी बहुत अच्छा फील करूं। ना 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 अच्छा मतलब आपके नजर में अच्छा फील होगा तो मैं अच्छा फील करूं। मैं वैसे ही आपको बता रहा हूं। मतलब आप उनके राइट ऑफ लाइफ को जो है जरा बैनिश करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज डोंट डू दिस। ये मेरा राइट है ना, ये मेरा पर्सनल राइट है। मैं तो एक एडवाइस दे रहा हूं। ये एडवाइस आप उन मर्दों को भी दिया करें ना जो कि गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, जो बच्चों को हरास करते हैं, जो छोटे छोटे बच्चों को जो है गलत रास्तों पे लेके जाते हैं। कुछ जो है हमारे उन मौलाना को यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर सिर्फ इस्लाम इसी ही मतलब ये लड़कियों ने इस्लाम को आगे बढ़ाना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जितनी कोशिश करते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, किसी के साथ बुरा नहीं करते, किसी का हक नहीं मारते। तो फिर अगर इस्लामी पाकिस्तान की बात करें तो ज्यादा जो गुनाह मर्द करते हैं कि औरतें करती हैं? फिलहाल तो आजकल जो नजर आ रहा है ना वो मजबूर औरतें कर रही हैं। मजबूर कर रही हैं गुनाह करने के लिए। सिंपल सी बात है। क्या क्या मजबूर? आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चली जाएं, किसी भी बाजार में चली जाएं। 6 माह की बच्ची का रेप हो जाता, उसने मजबूर किया होगा मर्द को कि मेरा रेप करो? ये सिर्फ बातें होती हैं। बात ठीक है ना जी? बात इतनी सी है, ये जो फ्रांस ने कदम उठाया ठीक है, हम इसे डिसएग्री करते हैं। अच्छा। हर बंदे का अपना राइट है, ठीक हो गया, ठीक है, वो वेयर करे या ना वेयर करे या ना करे, हम वहाँ गेम खेलने गए हैं, वहाँ मजहब खेलने नहीं गए। नहीं दूसरे कंट्रीज के लोग पहन सकते हैं, जो फ्रांस की लड़कियां है ना वो नहीं वेयर कर सकती। ठीक है वो उनका अपना एक अपनी कंट्री है, अपनी वो है, उनका लाया जाए। आप सपोर्ट कर रहे हैं फ्रांस? मैं ये यानी इस तरह सपोर्ट कर रहा हूं। देखें एक मेरा घर है, उस घर में मैं अगर ला बनाता हूँ कि 8 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलेगा तो ना निकले, ये मेरा घर है, मेरी मर्जी चलेगी। कौन आउटसाइडर आके कोई कहेगा कि भाई आप 10 बजे बच्चों को बाहर निकालें? वो कह रहा फ्रांस और फ्रांस की मर्जी। देखें मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। अच्छा कैसे? बात ये है कि हर अब ये भाई खड़े हैं, इनका एक अपना नजरिया है, इन भाई का अपना नजरिया है, मेरा अपना नजरिया है, ठीक है। आप एक रूल पास करा के 1, 2, 3 बंदों को एक लाइन पर चला रहे हैं जबकि वो चल ही नहीं सकते। मैम काइंडली मैं सही है देना चाहता हूँ। इमिग्रेशन लॉ के मुताबिक फर्ज करें कि अगर आप USA का वीज़ा लेते हैं तो आपको एज ए इमिग्रेंट वहाँ पे शो करना होता है कि आप वहाँ के स्टेट के लॉज को फॉलो करेंगे। क्या आप वहाँ कह सकते हैं कि हम वहाँ के लॉज को फॉलो नहीं करेंगे? क्या आपको वहाँ के वीज़ा या इमिग्रेशन आपको पहले मानना पड़ता है? पहले मानना लॉज को। बेरा हम ऐसी कंट्री में जाए ना, ठीक है, बात ये है पार्टिसिपेट ही ना करें। ना करें हमने कहा है करने को ना करें। अब वो क्रिकेट भी तो खेलते हैं ना सब, ठीक है, आपके 100 इख्तलाफ आते हैं, सही है, हमें चाहिए हमारे जितने हैं उनमें हजरात हैं, ठीक है, वो आवाज़ उठाएं। क्यों नहीं उठा रहे हैं? के खिलाफ हो गया था कि भाई इंडिया के अंदर मुसलमान औरतों की रिस्पेक्ट नहीं हो रही, हालांकि उन्होंने ये कहा था कि स्कूल के अंदर हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में कितने स्कूल ऐसे हैं जो यूरोपियन टच पे बने हैं, वहाँ पर स्कार्फ और नहीं है तो हम भी वही नहीं पहन सकते ना। आजकल तो यूनिवर्सिटीज में भी ये चीजें बैन है, तो जब इंडिया ने किया तो फिर हमने इतने प्रोपेगेंडा बनाया, बायकॉट इंडिया, इंडिया ने गलत किया। वो शायद आपने एक छोटा सा क्लिप देखा था कि किसी मर्द ने मेरे ख्याल से आई थिंक किसी लड़की का हिजाब खींचा था, शायद आपने देखा हो, इसी वजह से वो इसी वजह से वो मामला ज्यादा बड़ा था। उसके बाद फिर बैन भी हो गया था ना कि स्कूल में नहीं पहनना। हाँ आई थिंक मेरे ख्याल में पाकिस्तान वाले जो हैं वो इंडिया के खिलाफ तो हमेशा से ही हैं। अच्छा, आप फ्रांस से खिलाफ निकले ना, आप क्यों नहीं निकलते? तो मेरा सवाल है यस ये वो इसलिए नहीं निकलते क्योंकि आपने तलवे नहीं चाट लिए अंग्रेजों के, आपने वहाँ जाना नहीं, इनमें से कौन जाएगा इंडिया? कोई भी नहीं जाएगा। अभी किसी को बोले फ्रांस जाना है वो कहेंगे हम अपना घर बार छोड़ते हैं हम फ्रांस चलते हैं, इसलिए नहीं बोल सकते। सही है टैलेंट ही नहीं है। अभी ये तरीबल ये जो ये तरीके लबैक वाले हैं इस्लामाबाद बैठे हुए थे, ठीक है, किस लिए बैठे हुए थे? क्यों बैठे हुए हैं भाई? आप ये भी बात उठाएं ना कि फ्रांस इस तरह से कर रहे हैं, आप उठाएंगे मतलब इंडिया के खिलाफ सब बोल रहे हैं बिना जरूरत। वो वोट नहीं लेना इन्होंने, वोट लेना है ना, वोट किस लिए लेना है? वो आपने इंडिया को मोदी को बुरा भला कहना है, वोट ले लेना है, ठीक है, आपने वोट ले लेना है। आप बोले जरा फ्रांस को, आप बोले जो बाइडन को, मेरा पैसा दो तो वही तो जो बाइडन को बोले आपको, वो जो बाइडन अभी आपकी कॉल लगाएगा IMF को कि इनके सारे जो आने वाले पैसे सारे खत्म कर दो, इसलिए नहीं बोलते। IMF में इंडिया का भी शेयर आने वाला है, वो आएगा। इंडिया किधर है? हम किधर हैं? वो चांद पे पहुंच गए, हम यही देखते रहते हैं। KPK के अंदर आज ईद हो रही है, लाहौर में कल ईद हो रही है। हमारा चांद ही नहीं है, हमारा एक चांद ही नहीं है। हमारा एक चांद के ऊपर हम इत्तेफाक नहीं करते तो हम मैंगो चांद के ऊपर पहुंचेंगे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें। आपका भाई ऐसे ही पाकिस्तान से रिलेटेड
रिएक्शन वीडियो लाता रहेगा आपके मनोरंजन के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि यही वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।